में आज मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद है, जबकि रैलियों और एहतजाज रोकने के लिए काबिज भारतीय फौज ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया है। गवर्नमेंट को लग रहा था कि हम बुरहान वानी को एलिमिनेट करके शायद इस कश्मीर की तहरीक को दबाएंगे, लेकिन सब कुछ उसके बारे में हुआ। जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की इतना ये और उभरा। ये एक अच्छा स्टूडेंट था, ये डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था। कश्मीरियों की तहरीक आजादी में नई रूह ठोंकने वाले मुजाहिद बुरहान वानी शहीद की बरसी आज मनाई जा रही है। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। वादी में कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं। काबिज भारतीय फौज ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया है। बुरहान वानी के आबाई इलाके से रैलियों को रोकने के लिए फौज तैनात है। पुलिस की जानिब से बुरहान वानी शहीद के घर पर धावा बोलकर अहले खाना को हिरासा किया गया। बुरहान वानी की कब्र पर कश्मीरियों की हाजिरी को रोकने के लिए इलाके को सील कर दिया गया है। कलगाम डिस्ट्रिक्ट में फौज ने इलाका मकीनों को वार्निंग लाइन से आगे बढ़ने पर गोली मारने की धमकी दे दी है। पूरी मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद और दफा 144 का नफाज करके 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। वाज़े रहे कि बुरहान वानी की शहादत के बाद एहतजाज का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने पैलेट गन के बाद अब कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।